दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हम आपको एक गोल्डन कलर की डोरी से बैग बनाना बताएंगे कैसे बनता है। तो देखो ये गोल्डन कलर है मेरा, इससे मैं एक बैग बनाऊंगी और ये मेरा क्रोशिया है, इनसे बनाऊंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नोट लगा के इसमें और हम सीधी चेन चेन बनाएंगे ऐसे ऐसे चेन बनाएंगे। जितना आपने बैग की लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप चेन बनाइए इसमें। देखो ये मैंने चेन बना ली है, जो आपको लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप चेन बना सकते हो। मैंने इतनी लंबाई से इसको बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको उंगली के ऊपर ऐसे लपेट के ज़्यादा धागा को, और इसको सिंगल सिंगल क्रोशिया से हमने इसके बीच में ड्रॉ करना है ऐसे, फर्स्ट लाइन ऐसे बनाने, सभी चेन के बीच में ऐसे क्रोशिया को ड्रॉ किया और हमने ऐसे इसको बुना। सिंगल क्रोशिया से इसको सभी लाइन को कंप्लीट करना है। मैंने ऐसे ही हर चेन के बीच में ऐसे इसको ड्रॉ करना, इसको बुनना। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऐसे बनती जाएगी। देखो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर मैं अभी इसको ऐसे डबल चेन से बनाऊंगी। यहाँ फर्स्ट वाला ये चेन ये इसके अंदर ड्रॉ करा चेन से ऐसे बनाया, फिर ये आगे वाले में इसी में ऐसे ड्रॉ किया ऐसे। ये चेन ये लाइन भी मैंने ऐसे ही कंप्लीट करनी है डबल क्रोशिया से, इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं या आसान से ऐसे ऐसे क्रोशिया ऊपर से लिया चेन और हमने इसमें ऐसे ड्रॉ किया। ऐसे तो ये ऐसे बनती जाएगी, ये लाइन ऐसे कंप्लीट करनी है। फिर मैं आगे दिखाती हूँ। अब ये चेन हमारी कंप्लीट हो गई, देखो ये लाइन। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल चेन बनाएंगे और इसी के बीच में दो बार ड्रॉ करेंगे। ये दो बार, फिर ये आगे वाले में एक चेन छोड़े दो बनाएंगे। ये फर्स्ट वाला छोड़ा और इस सेकेंड वाले में यहाँ से ड्रॉ किया एक और ये दो, दो बार इसमें करा, फिर आगे वाले में ये फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाले में दो बार। इसको छोड़ के इसमें फिर ऐसे ही दो बार, ये दो दो की लाइन बनेगी। अगली लाइन में ये हमारा डिजाइन दिखने लग जाएगा। अभी फर्स्ट बार नहीं, ये लाइन में कंप्लीट करती हूँ फिर सेकंड वाली दिखाती हूँ। देखो ये मेरा बैग बन गया है। यहाँ से एक लास्ट की चेन बची है, इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो हम लास्ट में कंप्लीट ऐसे ही बंद करेंगे सिंगल धागा सिंगल क्रोशिया से, ऐसे चेन बनाएंगे इसको और ये लाइन को पूरी को कंप्लीट करेंगे ऐसे। ऐसे हमने ये पूरी लाइन को मैं कंप्लीट करती हूँ। ये पूरा बैग बन गया है मेरा, ये देखो ये लाइन हमारी कंप्लीट होगी। मैं इसको यहीं बंद कर दूँगी अभी ऐसे। ये हमें इसकी सिलाई करेंगे और इस पर ये बटन लगाएंगे, ये वाला बटन यहाँ लगा देंगे इसको। अभी हम पहले इसको सील देते हैं, सील कर दिखाती हूँ।
देखो यहाँ से हमने ये 3 इंच 2 इंच ऐसे छोड़ना है इसको, और यहाँ से इसकी ऐसे सिलाई कर देंगे। तो यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। ये ऊपर का भाग हमारा इतना ऐसे रहेगा बटन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी सिलाई शुरू करती हूँ। यहाँ से हमें ये दोनों साइड से हमने ऐसे सिलाई करना है इसको। देखो फिर इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये हमारा पर्स सिलाई हो गया है। अब यहाँ से कट कर दें। अभी हम इसको सीधा कर दें। अब यहाँ से हम इसको एक ये वाला बटन यहाँ लगा दें। ये बटन पे मैंने ऐसी डोरी, इससे ये मैंने इसके ऊपर चिपका के और एक सुंदर सा बटन बनाया है। तो इसको हम यहाँ लगा दें। देखो ये हमारा बटन लग गया है पर्स में। अभी मैं इसको
वो करूँगी, चेन बनाऊँगी एक इसकी। अगर आपने साइड में लटकाना हो प्रेस तो आप उसको लटका सकते हो, अगर इसका अंदर रखना है तो इसका अंदर है तो रख सकते हो। तो मैं ये ऐसी चेन बनाऊँगी एक बारीक वाली, जो हम अपने प्रेस को कहीं भी लटका के चला जाएंगे। नहीं आपका दिल करे तो आप लगा लो, नहीं दिल करे तो आप ऐसे प्लेन ले लो हाथ में लेना हो तो। अगर आपने टांगना है तो आप ऐसी चेन बना लो सीधी, जितनी लंबी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको ऐसे बनाते हो। ये मैंने ऐसी चेन कंप्लीट करनी है, जितनी बड़ी चाहिए इतनी, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ और क्या लगाना है कैसे करना है। देखो ये हमारा पर्स तैयार होगा, ये मैंने डोरी बना दी इसकी, ये देखो ये बटन लगा दिया, ये थोड़ा छोटा सा फूल लगा दिया शो के लिए कि हमारा पर्स सुंदर लगेगा। ये हमारा पर्स तैयार होगा, कितना प्यारा सा और कितना सुंदर सा, मैंने ये फूल लगा दिया एक छोटा सा शो के लिए, और ये तैयार होगा। ये मैंने चेन बना दी इसकी, डोरी लगा दी बारीक से, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। देखो कितना अंदर कितना बड़ा है, इसमें चाहिए पर्स डाल लिया अपना ना, मोबाइल डाल लिया अपना, ये मोबाइल है हमारा कितना बड़ा, इसके अंदर ऐसे पर्स डाल लिया, ये देखो पर्स भी आ गया और मोबाइल भी आ गया इसके अंदर। और हम इसको फिर ऐसे बटन को लगा देंगे, आप इसको कैसे भी ले जा सकते हैं।